मौसम ने ली है उंगड़ाई, स्नो भी जमी पर है आई और फिर एक बार सयाहों ने रुख कर लिया है मलका ए कोहसार मरी का। कराची में तो है सर्दी लेकिन इतनी नहीं है, यहाँ तो बर्फबारी मिल गई, नसीब वाले हैं, खुश हो गए। 3 दिन से आए हैं, स्नोफॉल की वजह से रुके हुए हैं यहाँ पे। इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए, जो घर है उनको कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, राइस टीवी के साथ मैं हूँ जुहेब खान। मौसम ने ली है उंगड़ाई, स्नो भी जमी पर है आई और फिर एक बार सयाहों ने रुख कर लिया है मलका ए कोहसार मरी का। फील कर रहे हैं यहाँ पे आके, जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं, कैसा फील कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। 3 दिन से आए हैं, स्नोफॉल की वजह से रुके हुए हैं यहाँ पे। थकावट चेहरे से आया है, कैसे लग रहा है भाई आपको? भाई बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। ये अपना अगले महीने महीने रह के चले जाते हैं लेकिन स्नोफॉल नहीं दे सकते। हम तो कल परसों आए तो आज स्नोफॉल हो गई है। इंतज़ार था इसका? इंतज़ार था। बहुत आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, बहुत मज़ा आ रहा है जी बर्फबारी देखने का। पिछले साल भी आए थे पर उससे पहले आ गए थे, फिर उसके बाद तूफानी बारिश शुरू हुई, बर्फबारी शुरू हुई और अभी हमें देखने का नसीब हुआ है। बहुत मज़ेदार है। क्या कहेंगे जो घरों में बैठे हुए उनको? बस आपके सामने है, खुशी से उनको खुद ही समझ। क्या पैगाम देते हैं? मैं कहता हूँ इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए, जो घर है उनको कहना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा है पहले से ज़्यादा, मतलब कि अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, गाड़ियाँ वगैरह पहले खड़ी हैं, हर चीज़ का इतमाम अच्छे से हुआ हुआ है यहाँ पे। किसी किस्म के टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। इंतजामिया चौकस और तैयार है जी? बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में ये कहेंगे कि इंतजामिया बिल्कुल चौकस है, अच्छी है और कोई इतने महंगे रेंट नहीं है। हम ये नॉर्मल कीमत में हमें मिला है, 4,000-5,000 रुपये नॉर्मल रेंट अच्छे होटल का हम। लेकिन अब शुरू होगा ना? अब जी अब तो होगा, लेकिन हमने अब लिए, हमने 4 दिन इम्तहान तो अब होगा ना, मैंने इंतजामिया का भी और होटल मालकान का जी। लेकिन जैसे हमने देखा है कि अच्छा है, लेकिन बेहतर ही नजर आ रहा है, बेटर नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह। छोड़े यार महंगाई को, ये बताएं कि ये मंजर आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा मंजर है, हम 3 दिन से यहाँ रुके हैं। मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे, ये देखें, 3 दिन से यहाँ रुके हैं कि देखेंगे देखेंगे, शुक्र है आज हुई है तो बहुत खुश हुए हैं। यकीन माने खुशी की इंतहा नहीं हमारी, बहुत मजा आया। करते हैं, दिखाते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रहमतुल्लाह, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से खुश हैं, अल्लाह की रहमत माशाल्लाह, ये अल्लाह की रहमत बरस रही है और माशाल्लाह पूरे मुल्क से ये दुनिया मरी में एंजॉय करने के लिए आ रही है। लेकिन एक आज मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान अपना चीफ जस्टिस साहब को और पाकिस्तान अपना आर्मी के चीफ साहब को कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान को बचाएं। ये पाकिस्तान मौसम की बात करें, रोमांटिक मौसम है, कहां पॉलिटिक्स को लेके बैठ गए? पॉलिटिक्स को बैठ नहीं बैठ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये दुनिया होगी तो मौसम भी एंजॉय करेगा, ये मलक दुनिया कायम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? जी जी जबरदस्त, माशाल्लाह अच्छा मौसम है। कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? ये मैं 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन जी जी गुड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खुश हैं? कहाँ से तशरीफ लाए? सिंधी लग रहे हैं, कराची से? दुनिया कराची से जी। कैसा लग रहा मरिया? जबरदस्त, फीलिंग गुड। क्या मैसेज देंगे कराची वालों को जो इस वक्त वहाँ पे? कैसा मौसम है वैसे कराची में? कराची में तो है सर्दी लेकिन इतनी नहीं है, यहाँ तो बर्फबारी मिल गई, नसीब वाले हैं, खुश हो गए। दोस्तों के साथ आए, फैमिली के साथ? वाइफ के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप अभी कराची से हैं जी? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। ये बताइए आसानी से इतनी दूर से ले आए या कोई बड़ी जिद्दोजहद आपको करनी पड़ी थी, मनाना पड़ा? आसानी से। क्या मैसेज देंगे कराची वालों को? आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्नोफॉल, ग्लासेस, कैप, बहुत अच्छा लग रहा है मरिया आके, बहुत मज़ा आ रहा है। फैसलाबाद से हमें आए? फैसलाबाद जी, फैसलाबाद। और क्या कहेंगे फैसलाबादियों को? फैसलाबाद यही बोलेंगे जल्दी जल्दी मरिया आए, इंजॉय करें, बहुत मज़ा आ रहा है, मरी आना चाहिए, एंजॉयमेंट करनी चाहिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस मरतबा इंतजाम कैसे देख रहे हैं? इंतजाम है कि इंशाल्लाह बहुत बेहतर है और बहुत अच्छे इंतजाम है। हम कहेंगे पंजाब पुलिस या मरी पुलिस की बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दे रही है वहाँ को, बहुत मज़ा आ रहा है इधर।